चलो स्टार्ट करते हैं। एक बच चुका है, 16 स्टूडेंट है, 17। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। एक बार वो कंफर्म कर दो मेरी अगर आवाज आ रही है, और स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन में जो भी चेंज कर रहा हूँ मैं वो दिखाई दे रहा है, तो एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। स्टैट प्रो बेंटली का सॉफ्टवेयर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन इसमें कर सकते हैं। स्टैट प्रो पे काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास? ठीक है, क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट है, और इसे मिनी प्रोजेक्ट में आपको दिया हुआ है कि G+5 बिल्डिंग को एनालिसिस करना है और डिजाइन करना है, तो उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टैट प्रो आने से पहले, स्टैट प्रो में काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए अपनी बिल्डिंग का। तो मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरा पेंट है, तो मैं पेंट में क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक सा प्लान बना रहा हूँ। एक बेसिक सा एक प्लॉट है जिसमें एक रूम यहाँ पे है, एक बड़ा रूम यहाँ पे है, ठीक है, और इस तरह से ये जा रहा है, एक रूम यहाँ पे है। ठीक है, बेसिक सा है। और ये जो है ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्रॉस का मतलब है ओपनिंग है। ठीक है, ये है आपका 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, और ये 1 मीटर का है, 1/1 का है साफ। तो इस तरीके से एक प्लान है। ठीक है, हमारे पास लाइन डायग्राम है, टॉप व्यू है बिल्डिंग का। अब इसको कैसे हमें ड्रॉ करना है, और हमारे पास कॉलम कहाँ पे होंगे, ये रेड कलर के मान लो कॉलम है हमारे पास, सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगल ही होंगे। रेक्टेंगल बनाना चाहो तो रेक्टेंगल बना लो, ये कॉलम यहाँ ना होके यहाँ पे है कॉलम। ठीक है, इसमें देखो ये जो है ना बीम, ये बड़े वाले बीम है, ये मेन बीम है, ये जो है ये मेन बीम है दोनों। ठीक है, ये सेकेंडरी बीम है, इसका एक एंड तो आपका कॉलम से फिक्स है, दूसरा एंड इस बीम के ऊपर सपोर्ट है। ठीक है, तो हमारे पास कुल 6, इधर 4 कॉलम है, इधर 3 कॉलम है, इधर 3 कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक बिल्डिंग का प्लान है। सारी डायमेंशंस हमें पता है, हमें ये पता है कॉलम की लोकेशन हमें पता है, और लेंथ हमें आर स्पैन की पता है, इतना हमें पता है बस। अब देखो इसे स्टैट प्रो में कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये चेक करोगे कि यहाँ पे इंडियन डिजाइन कोड पर ग्रीन कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है उससे डाउनलोड कर पाया कोई? सर मेरा इंस्टॉल हो गया सर। हाँ तो तुम बता देना जैसे भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, ओके सर। कैक मांग रहा है, की मांग रहा है वो, आपने देखा है यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है इंडियन को। एक बार जिसका इंस्टॉल हो गया है ओपन करके क्लिक करके आ रहा है सर, ग्रीन आ रहा है। हाँ ग्रीन का मतलब वो एक्टिवेट है बिल्कुल। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लान चाहिए जो मैंने रफली एक पेंट में बना लिया है। उसके बाद मैंने स्टैट प्रो ओपन किया तो देखा कि वो एक्टिवेट है, यानी ग्रीन टिक पे क्लिक किया तो एक्टिवेट है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू प्रोजेक्ट और स्पेस सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि स्पेस यानी 3D, हमारे जो बिल्डिंग होगी वो 3D होगी, यूनिट जो होंगी वो मीटर एंड किलोमीटर में फोर्स होगा। स्ट्रक्चर का नाम लिख देता हूँ बिल्डिंग। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, बट एक फोल्डर बना के। क्योंकि
क्योंकि जब स्टैट प्रो की आप फाइल सेव करते हो तो उसके साथ बहुत सारी टेम्परेरी फाइल भी आ जाती है। अगर डेस्कटॉप पे आप फाइल डायरेक्टली सेव करोगे तो एकदम से पूरा डेस्कटॉप आपका फुल फिल हो जाएगा आइकन से, तो एक फोल्डर बना के उसमें आपको सेव करना है। तो बिल्डिंग टाइटल हो गया स्पेस स्पेस बिल्डिंग का टाइटल, लोकेशन, यूनिट लेंथ हो गया मीटर में, फोर्स हो गया आपका किलोमीटर। नेक्स्ट करेंगे तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन जिसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एड बीम का मतलब है आपका माउस का कर्सर डायरेक्टली क्लिक करने पर बीम बनाएगा, प्लेट का मतलब है स्लैब बनाएगा, सॉलिड का मतलब है सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्ट्रक्चर विजार्ड का मतलब है कि आपके पास पहले से कुछ स्ट्रक्चर बने बनाए आएंगे, एक विंडो खुल जाएगी, अगर आपकी बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर जैसी दिखती है तो आप उसको इंपोर्ट करके उसी में काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसा मेरा प्लान है मुझे पता है कि ऐसा प्लान उसके अंदर नहीं है तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर विजार्ड पे नहीं जा रहा। इसके बाद आपका स्टैड एडिटर, आप कमांड के थ्रू भी आप किसी चीज को बना सकते हो जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज आप बताओ। नहीं सर अभी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत कर पा रहे हो सुन पा रहे हो कि कुछ और मेरे पास तो जुगाड़ नहीं है ठीक करने का। आप सही हैं सर, ठीक है तो सुन लो, तेज आवाज कर लेना, ईयरफोन लगा लो या तो। स्टैड एडिटर जो है उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू या कमांड के थ्रू आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है एडिट जॉब इंफॉर्मेशन, यानी इंजीनियर की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, वो बाद में भी डाल सकते हैं। इनके सारे काम है ना, एड प्लेट से लेके नीचे तक जो है ये एड इंफॉर्मेशन सारे काम आप एड बीम में जाकर अंदर भी कर सकते हो या डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एड बीम पे जाके क्लिक करता हूं तो ये हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में डिफॉल्ट ग्रिड आएगी 10x10 की, ऊपर ये आइकन्स है, इधर हमारे ये ज्योमेट्री और बनाने के आइकन है, यहाँ पर अगर किसी आइकन पर आप क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी और फिर यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे, अभी इन सब चीजों का मत देखो, जो डिफॉल्ट आपका स्क्रीन आई है ठीक है उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि आपने सिलेक्ट क्या किया था एड बीम, तो आपका जो माउस का कर्सर है वो बीम बनाने के लिए रेडी है। तो मैं क्या करूंगा, बस जीरो पे क्लिक कर दूंगा। सर एक बार और बता देना एड बीम का, सर नेट चला गया था तो इस वजह से देख नहीं पाया, पीपीटी हट गई। ये प्लान समझ में आ गया, प्लान है बिल्डिंग का, मैंने पेंट में बनाया हुआ है। स्टैट प्रो मैंने दोबारा से ओपन किया, ठीक है बिल्डिंग मैंने बनाया था तो यहाँ पे आ चुका है जो मैंने बिल्डिंग बनाया था एक प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो मैं इसी पर क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, इसलिए तुम्हें क्योंकि एड बीम का दिखाना है तो मैं दोबारा से न्यू कर रहा हूँ। स्पेस मीटर किलोन्यूटर स्ट्रक्चर वन सेव डेस्कटॉप पे और फोल्डर में नेक्स्ट। एड बीम का मतलब है अगर एड बीम ऑप्शन सिलेक्ट है केवल तो आपका माउस का कर्सर कहीं पर भी क्लिक करने पर बीम बनाएगा। ठीक है, और बीम बनाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, बीम बनाने से पहले एक और चीज कि बीम जो आपका दिखता है वो इस तरीके से दिखता है कि एक एंड पे ब्लैक कलर का सर्कल है, फिर एक बीच में लाइन और दूसरे एंड पे ब्लैक कलर का सर्कल है। ये पेन रेड है इसलिए रेड बना रहा हूँ, लेकिन ब्लैक कलर का इस तरह से एक बीम होता है। ये जो ब्लैक कलर के नॉट है इसको नॉट बोलते हैं, नॉट सॉरी नॉट वन, और ये क्या हो जाएगा नॉट टू, और इसके बीच में जो लाइन है उसको बोलेंगे मेंबर वन। तो एक बीम हमारा दो नॉट जिनका नंबर वन और टू होगा, अगला बीम बनाएंगे उसका थ्री और फोर होगा। तो नोड का नंबर होता है वन से स्टार्ट होता है टू, और उसके बीच में जो लाइन होती है वो होता है मेंबर, इसका भी एक अपना एक यूनिक आईडी होती है वन, वन से स्टार्ट होती है। अब मैंने एड बीम अगर क्लिक किया है यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो जहां पर भी मैं क्लिक करूंगा अपनी स्क्रीन पे पहले तो एक डॉट बनेगी, पहले डॉट पहले फर्स्ट क्लिक पर, सेकेंड क्लिक पर दूसरी डॉट बन जाएगी यानी कि एक बीम बन जाएगा, थर्ड क्लिक पर तीसरा यहाँ से उसी जॉइंट से स्टार्ट हो गया ऐसे बीम बन जाएगा। तो जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा बीम बनता जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको फिनिश किया तो हमारी ये स्क्रीन आ गई, इस स्क्रीन पे ग्रिड आ रही है, ग्रिड के ऊपर माउस को केवल मूव करा रहा हूं तो एक और प्लस का मार्क है जो आपका ब्लिंक कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है हमसे कि यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक जॉइंट बन जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ ये जॉइंट बन गया, और दूसरा जॉइंट बनाने के लिए दूसरा क्लिक करता हूँ तो एक बीम बन गया, दूसरा बीम,
तीसरा बीम, इस तरह से आप बीम बना सकते हो क्लिक करके। और जो स्कैप बटन है आपका कीबोर्ड का, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपका नॉर्मल कर्सर बन जाएगा, आप कुछ नहीं बनाएगा, ये कहीं भी क्लिक करोगे कुछ नहीं बनाएगा, एड बीम से हट गया है, ठीक है। या फिर आपको मैनुअली हटाना है तो यहाँ पर देखो नॉर्मल कर्सर लगा हुआ है, नॉर्मल कर्सर है आपका। तो अब ये नॉर्मल कर्सर हो गया है, तो नॉर्मल कर्सर से मैं ड्रैग करके इन बीम को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इस तरह से बीम नहीं बनाने थे। अब मेरे को केवल एक जॉइंट चाहिए, क्यों जॉइंट चाहिए, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर पेंट दिखाई दे रहा है आपको, पेंट बताओ को ये पेंट में प्लान दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो इस प्लान का जो ये फर्स्ट नोड है, ये जो रेड कलर का जो आपका कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, अभी इसको रेड कलर का रेक्टेंगुलर कॉलम मत समझो, इसको जॉइंट समझो, बीम का जॉइंट। तो ये जो पहला जॉइंट है आपका, मैं इसको बनाऊंगा पहले, जॉइंट नंबर वन। इसको बनाने के बाद मैं इसकी हेल्प से पूरा ये प्लान बना सकता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना, प्लान हमेशा एक्स और जेड में होता है, एक्स और जेड में, ये एक्स है और ये आपका Z है, और जो हाइट होती है बिल्डिंग की वो होती है Y में, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लान में बनाने वाला हूं, उसका पहला जो कॉलम है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहीं से, अगर आपको स्टैट प्रो आता है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके इस प्लान को बनाने के, सबसे इजी वाला तरीका मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने फर्स्ट जॉइंट के लिए मुझे एक डॉट चाहिए ब्लैक कलर की अपनी स्क्रीन पे स्टैट प्रो में, ठीक है। तो अब मेरा ना कर्सर तो नॉर्मल है, मेरा जो माउस का कर्सर है वो नॉर्मल है, वो कुछ बनाने के लिए रेडी नहीं है। जब न्यू प्रोजेक्ट किया था तब वो बीम बनाने के लिए रेडी था, लेकिन अब मैंने क्योंकि स्कैप बटन दबा दिया है तो वो नॉर्मल कर्सर है। तो अब मैं दोबारा से उसको एक्टिवेट कैसे करूं जिससे ये बीम बनाने के लिए फिर रेडी हो जाए? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्नैप नोड, स्नैप नोड बीम, इस स्क्रीन को क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना है तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये देखो स्नैप नॉट बीम। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस टैब पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो मेरा माउस का कर्सर फिर दोबारा से रेडी हो जाएगा बीम बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं स्कैप बटन दबाता हूं तो फिर वो नॉर्मल कर्सर बन जाएगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा बीम बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। एक था ऑप्शन की जब मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया था वहां पे ऐड बीम पे क्लिक किया तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो बीम बनाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन अगर वो चला जाता है तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे को अपना प्लान बनाने के लिए जो मैंने पेंट में दिखाया है एक नोड चाहिए, ठीक है। तो मैं जीरो पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं अब कहीं और क्लिक करूंगा तो बीम बन जाएगा, तो मैं कहीं और क्लिक ना करके ना स्कैप बटन दबाता हूँ तो एक नोड आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दो, ये ग्रिड का ऑप्शन है, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ग्रिड मेरी हट जाएगी और जो जॉइंट मैंने बनाया है वो तो क्लियरली मुझे दिखने लगेगा, क्लियरली दिखने लगा। अच्छा, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, ये जो लेक्चर ले रहा हूँ मैं, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वो लिंक भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ग्रिड को हटाया यहां से तो मेरी ग्रिड हट गई और जो जॉइंट मैंने 0-0 पे बनाया था वो दिखने लगा ब्लैक कलर का, ठीक है, छोटा सा ही दिखेगा, बड़ा नहीं होगा। अब इसको मुझे सिलेक्ट करना है, अगर मैं माउस से क्लिक करता हूं तो सिलेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे अब दूसरी चीज समझो, कितने तरह के माउस होते हैं इसमें, माउस के कर्सर कितने तरह के होते हैं स्टैट प्रो में? एक होता है सिंपल कर्सर ऐसा जो केवल बीम को सिलेक्ट करता है, बीम के मेंबर बोलेंगे क्योंकि बीम के अंदर कॉलम के अंदर दोनों के अंदर मेंबर होते हैं, ये मेंबर को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा कर्सर होता है इस तरह, क्या दूसरा जो कर्सर होता है हमारा इस तरीके का होगा और यहाँ पे एक जॉइंट बना होगा, ये सिलेक्ट करता है नोट को, इसकी इस कर्सर की हेल्प से आप नोट को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी है तो कर्सर इसमें लगभग 10-12 कर्सर्स हैं, बट अभी हमारी इस बिल्डिंग में दो की ही जरूरत है, एक और की जरूरत पड़ेगी बाद में,
तो मेरे को कौन सा कर्सर चाहिए इस जॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए, मुझे बताओ कोई। मुझे मेंबर कर्सर चाहिए कि नोड कर्सर चाहिए इस जॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए? सर नोड वाला, नोड कर्सर चाहिए। तो ठीक है, मेरा मार्क देखना कहाँ जा रहा है जहां पर ये नोड कर्सर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो माउस क्लिक कर रहा है यहाँ पे, एक नोड कर्सर जैसे मैंने बनाया, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस नोड को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर कुछ इस टाइप का हो गया। अब मैं इस जॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इस जॉइंट की लोकेशन या फिर आप कह सकते कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0, x0 y0 z0, क्योंकि जो ग्रिड थी उसका जो कॉर्नर था जो 0 से स्टार्ट था, मैंने वहां पर क्लिक करके जॉइंट बनाया था, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। अब मैं चलता हूँ अपने प्लान पे, ठीक है। अब मुझे ये बन चुका है मेरा नोड। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है इधर की साइड, मुझे ये बीम बनाना है इधर की साइड इस तरह से, ठीक है। ये वाले सारे बीम बनाने हैं और कॉलम के साथ, जॉइंट के साथ। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है एक्स डायरेक्शन। और कितने स्पैन है, 3 स्पैन है, एक है आपका 3 मीटर का, एक है 4 मीटर का और दूसरा भी 3 मीटर का है। इसको बनाने से पहले मैं आपको एक टूल समझाता हूँ। जॉइंट सिलेक्ट करने के बाद एक टूल आता है हमारे पास, ट्रांसलेशनल रिपीट टूल। ये ट्रांसलेशन रिपीट टूल बहुत काम का है, कोई भी स्ट्रक्चर इससे बना सकते हो, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये काम क्या करेगा, ये काम कैसे करेगा आप देखो। उसको सबसे पहले इस टूल पे पूछ रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में आप बीम बनाना चाहते हो। तो मैं इस डायरेक्शन में बीम बनाना चाहता हूं, तो ये डायरेक्शन क्या है, एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, इसमें एक्स, ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे नंबर ऑफ स्टेप, ये वाला, कितने बीम बनाना चाहता हूं मैं। अगर मैं एक स्टेप डालूंगा एक बीम बनेगा, दो स्टेप डालूंगा दो बीम बनेंगे। अभी मैं फिलहाल 2 डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो 2 स्टेप 2 बीम बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, 5 मीटर, डिफॉल्ट अभी 5 मीटर रहने देते हैं। अभी ये 3 सेटिंग करते हैं बस, ठीक है। ये 3 सेटिंग यानी कि डायरेक्शन एक्स, नंबर ऑफ स्टेप 2, स्पेसिंग 5 मीटर। तो होता क्या है देखते हैं, ये 2 कर देता हूं, इसको ओके करता हूं। तो आप ये देखना है यहाँ पे कि एक जॉइंट तो हमारे पास पहले से था जिसका नंबर था 1, क्योंकि हमने 2 स्टेप उसमें डाला था, तो 2 और बन गए 2 3। और क्योंकि हमारी स्पेसिंग 5 मीटर थी तो उनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, 5 मीटर। बट बीच में मेंबर तो बना ही नहीं, ये 5 5 मीटर के 2 स्टेप बन गए। अब बीच में मेंबर कैसे बनेगा, तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। इसको नोट को दोबारा सेलेक्ट किया, उस वाले आपके ट्रांसलेशन रिपीट पे दोबारा में गया, एक्स सेलेक्ट, डायरेक्शन तो एक्स है, स्टेप 2 है, स्पेसिंग 5 मीटर है। अब इसमें एक चीज और आती है, लिंक स्टेप। अगर लिंक स्टेप पे मैं क्लिक नहीं करूंगा तो बीच में जो मेंबर है वो नहीं बनेगा, ऐसे अभी नहीं ही बना था। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो बीच में मेंबर भी बन जाएगा, लिंक ओके। ये देखो 5 5 मीटर की 2 बन गए हैं मेंबर और बीम। लेकिन ये 13 क्यों जा रहे हैं, ये 13 इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में बने, और यहाँ पे आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एक्स हमारा आइसोमेट्रिक व्यू डायरेक्शन में है। इसको सीधा करने के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्यूब है, एक सेकेंड, मैग्नीफाई ऑन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये क्यूब है, जो फर्स्ट क्यूब है उसका जो फ्रंट वाला फेस है येलो है, यानी कि इस पर मैं क्लिक करूंगा तो फ्रंट व्यू हो जाएगा, एक्स बिल्कुल सीधा आ जाएगा। दूसरा वाला जो क्यूब है आपका, फर्स्ट क्यूब है फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, और उसके बगल में आइसोमेट्रिक व्यू जो डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट है, इसमें आपको 13 दिखाई दे रहा था।
तो एक्स एक्सिस पर अगर आपको सीधा देखना है तो फर्स्ट व्यू पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं फर्स्ट व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट क्यूब पे जूम कम करता हूँ और आप देखो आपको सीधा हो गया। इस नोड का नंबर है 1, इस नोड का नंबर है 2, इस नोड का नंबर है 3, इस मेंबर का नंबर है 1, इस मेंबर का नंबर है 2 और इनकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर 5 मीटर। अब मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ कि यहां तक समझ में आया तो मैं आगे चलूं फिर। किसी को डाउट है इसमें? सर जो पहला वाला नोड आपने बताया वो फिर से बताइए। जो पहला वाला फर्स्ट नोड कैसे बनाया वो पूछा जा रहे हो? यस सर। अच्छा लो मैं इसको डिलीट करके बना के दिखाता हूँ। हमेशा बार बार ना सेव करेंगे पूछेगा तो सेव करते रहना है आपको। तो मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया तो मेरे पास इस तरह से स्क्रीन आ गई थी। एक हमारे पास ग्रिड थी वो भी आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरह से ग्रिड थी। ये ग्रिड का आपका ओरिजिन है, ये वाला ये ग्रिड का ओरिजिन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। अब मेरे को ओरिजिन पे एक जॉइंट बनाना है, ठीक है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो डिफॉल्ट आपका माउस बनाने के लिए रेडी होगा, बस आपको जीरो पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन मेरा वो माउस हट गया है, कर्सर हट गया है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो स्नैप नोड वाली बटन है यहाँ पे लास्ट में देखो एक स्नैप नोड वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का कर्सर है बीम बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब बीम बनाने के लिए रेडी होने के लिए बीम बनाने की कंडीशन क्या है, तरीका क्या है कि पहले एक क्लिक करोगे तो एक नोड बनेगा, फिर दूसरा क्लिक करोगे तो दूसरा नोड बनेगा और बीच में मेंबर बन जाएगा। पर हमें एक नोड चाहिए तो एक क्लिक करके माउस को हटा दो बस, तो आपका एक जॉइंट बन जाएगा। देखो इस तरह से मैंने एक्टिवेट किया और केवल जीरो पर क्लिक किया। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो दो नोड बन जाएंगे और एक बीम बन जाएगा, तो मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, केवल नॉर्मल इसके कर्सर पे आ जाता हूँ। यहाँ से देखो यहाँ पे रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्योंकि सिलेक्टनेस ये रेड दिखाई दे रहा है। अब ये बन गया आपका जॉइंट। अब मैं ग्रिड को यहाँ से अनचेक कर दूंगा, हटा दूंगा तो नोड दिखाई देने लगेगा क्योंकि ये अभी रेड है क्योंकि ये सिलेक्ट है, ठीक है। नोड कर्सर से सिलेक्ट होता है। अब मैंने ट्रांसलेशन को लिया, एक्स डायरेक्शन 2 स्टेप लिंक पे क्लिक किया, 5 स्पेसिंग ओके कर दिया, तो इस तरीके से बन गया है। फर्स्ट क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, आप किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। सर अगर नोड जो है मॉडल वाली जो है उससे आप ने बाकी के दो नोड्स बनाए हैं तो सर उसको पहला नंबर क्यों नहीं दिया? क्या चीज सर? जैसे जब आपने इसका पहला जॉइंट बनाया था और उसको नोड नंबर 1 देना चाहिए था ना सर? हाँ वो नोड नंबर 1 है जो फर्स्ट जॉइंट है, वो 1 ही है। देखो हर एक नोड का अपने यूनिक नंबर होता है, 2 नंबर के गए दो नोड नहीं हो सकते, ठीक है। हर एक नंबर तो 3 नोड है तो 3 नंबर होंगे। अब तुम कह रहे हो जो फर्स्ट जॉइंट बनाया था, मेरा फर्स्ट जॉइंट ये वाला है, ये वाला, इसका नोड नंबर 1 होना चाहिए था। पता कैसे करें कि 1 है कि 2 है कि 3 है? तो एक शॉर्टकट की मैंने बताया था, शिफ्ट बटन प्लस N, अगर आप प्रेस करोगे तो ये नोड नंबर बता देगा जितने भी आपके नोड्स हैं। तो मैं करके देखता हूं, शिफ्ट N, एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है, शिफ्ट एन, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे नोड नंबर 1 ये है जो मैंने पहला नोड बनाया था, उसके बाद 2 रिपीट हुए, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। अब इसके बाद आगे कोई नोड बनाता हूं तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। कभी भी दो सेम नंबर के कोड वो जॉइन नहीं होंगे। इसी तरह अगर मुझे पता करना है कि जो बीच में लाइन है जिसको हम बोलते हैं मेंबर, उसका अपना यूनिक नंबर क्या है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी। तो ये प्रेस करके देखता हूं मैं क्या आता है, शिफ्ट प्लस बी।
ये देखो इन मेंबर से भी अपना नंबर आ गया, मेंबर नंबर वन, मेंबर नंबर टू, जॉइंट नंबर वन, जॉइंट नंबर टू, जॉइंट नंबर थ्री, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, आपके जो दो मेंबर बने हैं इन दोनों की जो लेंथ है वो 5 मीटर 5 मीटर है, बट अगर मेरे प्लान में आप जाओगे जो मैंने प्लान रफली एक बनाया है उसमें फर्स्ट स्पैन 3 मीटर का है, सेकंड स्पैन 4 मीटर का है, थर्ड स्पैन 3 मीटर का है, तीन स्पैन है लेकिन उनमें जो स्पेसिंग है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? अब इस चीज को देखो ध्यान से, मैं अंडो करता हूं जब मेरे पास केवल एक जॉइंट है, सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट फिट टूल, ये वाला टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया, उठा के यहां रखा, डायरेक्शन तो मेरी एक्स होगी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप अब मेरे कितने होंगे? तीन, क्योंकि मेरे को तीन स्पैन बनाने हैं। स्पेसिंग जो होगी, जो डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग लिखी है ना ये, अब इसको टच नहीं करना है आपको, ठीक है, और लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके फिर बताता हूँ, मुझे और क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे एक्स पे क्लिक कर लिया हमने, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया तीन स्टेप। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नजर मारना, यहाँ पे नजर मारना, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, स्टेप वन और 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज होता है जब मैं स्टेप थ्री करता हूँ, जब मैं स्टेप थ्री करता हूँ तो वहां पे क्या होगा, तीन सेल बन गए, 5 5 5, यानी कि तीन बीम बनेंगे 5 5 5 मीटर के, क्यों 5 ही क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट जो स्टेप स्पेसिंग है वो 5 मीटर डली हुई है, तो 5 को अगर मैं 6 कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखो ऊपर वाले 3 और 6 6 6 हो जाएंगे, तो नीचे वाला जो ये जो ऑप्शन है आपके पास डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, इससे आप हमेशा यूनिफॉर्म स्पेसिंग वाले बीम बनाओगे, तो इसलिए इसको टच नहीं करना है, ऊपर चेंज कर देना है। पहला हमारा बीम कितने का है 3 मीटर का, दूसरा बीम कितने का है 4 मीटर का, तीसरा बीम कितने का है 3 मीटर का। अगर आपने गलती से इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे 5 क्लिक कर दिया है कुछ भी, तो दोबारा से सारे 5 5 5 हो जाएंगे, इसलिए जब कस्टम हो नॉन यूनिफॉर्म बीम्स हो तो इसको क्लिक नहीं करना है, बस नंबर ऑफ स्टेप डाल के ऊपर आप सेल में चेंज कर दोगे 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, लिंक पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे। अब जूम कम करते हैं और देखते हैं, देखो मैं शिफ्ट बी से बीम नंबर हटाता हूं, अब देखो बीम नंबर वन 3 मीटर, बीम नंबर टू 4 मीटर, बीम नंबर 3 3 मीटर, और ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट है, यहाँ पे बाद में कॉलम बनेगा, अभी केवल जॉइंट समझो कि यहाँ पे जॉइंट है। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो प्लान है बिल्डिंग का, उसकी फर्स्ट ऊपर की रो बन गई है, पूरा ऊपर का एक बीम बन गए हैं, इसमें 4 जॉइंट है और स्पेसिंग भी बन गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, बहुत समय दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके बनाने के, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आप देखो जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाले को देखो, ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो, ये भी एक्स में है, बट ये वाली ऊपर वाली रो नीचे की ओर ट्रांसफर हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में, जेड में। अगर मैं ऊपर वाली रो को कॉपी कर दूं नीचे एक्स में, तो नीचे वाली रो बन जाएगी, केवल जॉइंट्स को हमें चेंज करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, समझना इसको ध्यान से। मैंने अगर मेरे पास क्या नोट कर्सर है अभी, इससे पूरा इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ तो सारे जॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे को जो नेक्स्ट लाइन है ना उसमें बीम भी बनाने हैं, तो मेरे को नॉर्मल कर्सर से इसको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से ट्रांसलेट रिपीट टूल लेना है, डायरेक्शन क्या होगी जेड, स्टेप एक ही होगा लेकिन स्पेसिंग मेरे प्लान में कितनी है यहाँ पे 3 मीटर, ये वाली, तो मैंने यहाँ स्पेसिंग डाली 3 मीटर, लिंक पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखो अब तो हो गया, तो बना ही नहीं है, बन चुका है ये, क्यों नहीं बनाए, जब आप प्लान को एक्स डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ये दोनों लाइन एक के पीछे एक नजर आएंगी, जब आप यहां से देखोगे इसको, ये आपकी आई हो गई,
आप अगर आप यहाँ से देखोगे इसको तो आपको ये वाला एक्स दिखाई देगा और इसके पीछे वाला इसको ओवरलैप कर रहा होगा दिखाई देगा, तो आपको टॉप से देखना है तभी आपको इस तरह का डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप दोबारा जाते हैं स्टैट प्रो में, तो मैं आपको बता दूं टॉप व्यू कौन सा था। टॉप व्यू आपका ये वाला व्यू था, इसका टॉप प्लेन जो है येलो कलर का है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जूम इन करता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो आप कि हमारा कौन सा सेकंड वाला भी बन चुका है, लेकिन सेकंड वाले और फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना ध्यान से। जो रेड वाले आपके स्क्वायर चीज दिखाई दे रही है वो कॉलम है, लेकिन मैंने कहा कि कॉलम बाद में बनेंगे, अभी वहां पे ब्लैक कलर के डॉट समझो, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन में चार डॉट है, नीचे वाली लाइन में चार डॉट नहीं है, एक जहां पे कॉलम नहीं वहां पे डॉट होगा, दो तीन चार पांच डॉट है, यानी कि चार मीटर वाले स्पैन के सेंटर में भी एक डॉट है। तो मैं स्टैट प्रो में गया कि यहां पर भी एक डॉट है, समझ गए हो। दोबारा समझो, यहाँ पे कॉलम बनेगा, यहाँ पे कॉलम बनेगा, यहाँ पे कॉलम बनेगा, यहाँ पे कॉलम बनेगा, यहाँ पर कॉलम बनेगा, यहाँ पर कॉलम बनेगा, एक कॉलम यहाँ पे बनेगा प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो जॉइंट रहेगा क्योंकि ये बीम हमारा इस बीम से ज्वाइन हो रहा है, तो ज्वाइंट तो शो करेगा स्टैट प्रो में यहाँ पे, बट यहाँ पर एक कॉलम है, बिना ज्वाइंट के कॉलम बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें एक ज्वाइंट बनाना है इसके सेंटर में, बहुत ईजी है। इस बीम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और आ रहा है इंसर्ट नॉड, ये आ रहा है इंसर्ट नॉड, राइट क्लिक बीम के ऊपर, इंसर्ट नॉड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है एड मिड पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है एक बटन एड मिड पॉइंट, इस पे क्लिक करना है फिर ओके कर देना है, बस वो ऑटोमेटिक मिड पे एक जॉइंट लगा देगा। तो मैंने मिड पे क्लिक किया और ओके कर दिया, जॉइंट लग चुका है। अब हमारा प्लान लगभग आधा बन चुका है, अब नेक्स्ट लाइन है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में केवल तीन नोड है, पांच पांच मीटर के स्पैन है, कोई बात नहीं, मैं इसी को कॉपी कर दूंगा पहले चार मीटर के जेड डायरेक्शन में, चार मीटर स्पेसिंग में, उसके बाद मैं आपके डाउट पूछूंगा, पहले इस प्लान को बनाया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल, Z डायरेक्शन चार मीटर है आपका, लिंक कर दिया, ओके। अब ये नीचे चार मीटर कॉपी हो गई, बट इसमें कितने जॉइंट आए जो नई वाली बनी है हमारी, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, पांच जॉइंट, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग केवल तीन जॉइंट है, प्लान के अकॉर्डिंग केवल तीन जॉइंट है, यानी ये वाला जॉइंट है, ये वाले जॉइंट नहीं है, ना यहाँ पे बीम भी नहीं है। सिलेक्ट किया बीम डिलीट, सेलेक्ट किया बीम डिलीट और यहाँ पे जॉइंट, इन जॉइंट को क्या करें, इनको मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों मेंबर को सिलेक्ट करो, ज्योमेट्री में जाओ और मर्ज, ओके कर, मर्ज कर दो क्लोज, दोनों बीम को सिलेक्ट करो, ज्योमेट्री में जाओ, मर्ज कर दो, मर्ज। अब ये प्लान हमारा बिल्कुल बन चुका है जैसा बनना था। देखो यहाँ पे कॉलम होगा, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम कैसे बनेगा वो तो आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारा प्लान बन चुका है टॉप व्यू बिल्डिंग का। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। है किसी का डाउट है सर? पीपीटी शो नहीं हो रही थी, जो आपने लास्ट में बताया वो मैं देख नहीं पाया। लास्ट में जो बताया मैंने मर्ज वाला, यस सर, ठीक है। आप दिखाई दे रही है, किसी को दिखाई दे रही थी क्या सर? आप शो हो रही है, एंडो कर देता हूँ। देखो क्या हुआ था, पहले इस वाले बीम को सिलेक्ट करके Z डायरेक्शन में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल से चार मीटर स्पेसिंग पे, तो यहाँ पर भी ये बीम बन गया, बट यहाँ पर हमारा एक जॉइंट है और एक यहाँ पे जॉइंट था जो हमें नहीं चाहिए था, तो उनको जो नहीं चाहिए जॉइंट उनको करने के लिए, हटाने के लिए उन दोनों बीम को सिलेक्ट करो। अब इस जॉइंट के इधर एक बीम है, इधर एक, दोनों को सिलेक्ट करो,
जियोमेट्री में जाओ और मर्ज पर क्लिक कर दो और मर्ज कर दो, तो इस तरीके से हमारा प्लान बन जाएगा। मर्ज नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं जियोमेट्री मर्ज। अब भी ये मर्ज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे एक एरर आया है। एरर जानना बहुत अच्छी बात है। एक जॉइंट है जिसके जॉइंट से दो मेंबर निकले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लो ध्यान से। ये एक जॉइंट है हमारे पास ब्लैक कलर का, यहां से एक मेंबर निकला हुआ है ये रहा, और यहां से एक मेंबर निकला हुआ है ये रहा, और ये हमें बीच में जो जॉइंट है उसको हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस मेंबर को सिलेक्ट करूंगा और इस मेंबर को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक ज्योमेट्री में जाऊंगा और यहाँ पे मर्ज होगा, एक मर्ज पर क्लिक कर दूंगा। जब मर्ज विंडो खुलेगी तो वहां पे मर्ज का बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही नोड चला जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए मैंने कंट्रोल जेड से अंडो किया। जब कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं ना, तो क्या होगा, ज्वाइंट तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो ज्वाइंट वापस आने के बाद उस पिन को डिवाइड नहीं करेगा, ज्वाइंट के ऊपर रखा होगा, समझ रहे हो। अभी इस ज्वाइंट ने इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन, लेकिन जब मैंने अंडो किया ना, तो ये पूरा एक ही बीम है सिंगल, इसके ऊपर ज्वाइंट रखा हुआ है बस, इसलिए मैं बार बार मर्ज कर रहा हूं तो मर्ज नहीं हो रहा है वाला नोट। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं नोट कर्सर लूंगा, इस ज्वाइंट को क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, एक्स्ट्रा ज्वाइंट बन गया है बस। अंडो करने पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था कि किस तरह से हम एक प्लान ड्रो करके रफली उसको कैसे स्टेप प्रो में बनाए। ये विंडो का लिंक ओलंपस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मैं भेज दूंगा इसका, इस वीडियो का लिंक, वहां से आप देख लेना। जिसको स्टेट प्रो इंस्टॉल करने में दिक्कत आए, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देगा व्हाट्सएप पे कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं उसको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। और क्लास को अटेंड जरूर करें, अटेंडेंस भी कम रह जाएगी, जैसे अभी 23 स्टूडेंट है केवल यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और, जब हम अटेंडेंस डाउनलोड करते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है किस स्टूडेंट ने लेक्चर कितनी देर अटेंड किया। अगर किसी ने लास्ट ही केवल 5 मिनट 10 मिनट ऐसे किया तो उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई डाउट तो इस वीडियो को देख के स्टैट पर